नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज नीट को लेकर जो एफिडेविट एनटीए ने लगाया है उसकी चर्चा करेंगे। नीट के पेपर कैंसिलेशन को लेकर वंशिका यादव की जो पिटीशन और उसके साथ बहुत सारी और पिटीशनें सबमिट हो गई हैं उनमें क्या डिमांड किया गया है और उसके अनुसार, हालांकि इसकी सुनवाई के दौरान क्या निर्णय होगा निर्णय अलग बात है, लेकिन और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, क्या क्या बात कही है और उस पर जो उन्होंने जवाब मांगे थे उन जवाबों के क्या, उन सवालों के क्या जवाब आए हैं। हुआ ये कि 8 तारीख को, हम सबको मालूम है कि 8 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा को लेकर कुछ लोगों ने, वंशिका यादव की पिटीशन थी जिसमें ये कहा गया था कि इसका पेपर कैंसिल होना चाहिए, उसके बहुत सारे बेस बताए गए। हालांकि आज सुबह या कल से ये बात सामने आ रही कि तेलंगाना में पेपर लीक हुआ, उसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है और इसके अतिरिक्त पटना में जो कार्रवाई हुई जिन लोगों को पकड़ा गया पेपर लीक के मामले में उनके विषय में भी लोगों ने कहा, तमाम फेक वीडियो मार्केट में आ गई हैं और हम सब जानते हैं कि डिजिटल युग में कुछ भी किया जा सकता है। अब उसमें ये बात आ रही थी कि 4 मई की तारीख, जो तेलंगाना की वीडियो है उसमें कहा जा रहा है कि पेपर होना था 4 तारीख को और पेपर होना था 5 तारीख को और 4 तारीख को पेपर लीक के कुछ ऑडियो या वीडियो वायरल हुए हैं। दूसरी बात ये भी कही गई है कि सोशल मीडिया पर चैटिंग हुई है, वो चैटिंग के रिकॉर्ड भी सामने आए हैं पेपर लीक के, और पटना में कुछ लोग पकड़े गए हैं इसका भी रिकॉर्ड सामने आया। इनके बेसिस पर ये कहा जा रहा था कि पेपर कैंसिल कर देना चाहिए। अब इस बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई एक प्रश्न खड़े कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किस प्रकार का पेपर लीक हुआ है ये मुझे बताइए, कितने एरिए को इफेक्ट करता है ये बताइए, क्या पूरा पेपर कैंसिल करने की स्थिति है ये बताइए, क्या उस पर सेपरेशन हो सकता है, मतलब जितने एरिए में पेपर लीक होते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि ये तो मालूम है हमें कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि एनटीए और केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के जो एफिडेविट आए थे या उनके जो बयान आ रहे थे या कोर्ट में जो उन्होंने कहा उसके अनुसार उन्होंने कहा पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि पेपर लीक हुआ हो। जो पटना की घटना है वो पटना की घटना एक एक्सक्लूसिव बहुत छोटे माइनर स्तर की बात है, वो फुल्ली ये नहीं कहा जा सकता है कि वो पेपर लीक हुआ है। उसको अगर पेपर लीक कहेंगे तो उससे प्रभावित होने वाले कुछ छात्र आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं या कुछ लोग आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जिनमें ये प्रयास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ये भी किया था कि आप मुझे ये बताइए कि कितना समय पेपर लीक में लगा, सपोज कि 10 बजे का पेपर है और 9:30 बजे अगर पेपर लीक होता है तो पेपर तो लीक हुआ है लेकिन वो आधे घंटे का पेपर लीक क्या बेनिफिट दे पाएगा, क्योंकि 9:30 बजे तो अंदर बैठ जाना होता है हॉल में, हॉल टिकट चेक हो जाती है, 10 बजे से पेपर शुरू होता है, 9:30 बजे पेपर बटना शुरू होता है, और ये भी संभव है कि पेपर की सील 9 बजे ही खोली जाती हो, ये भी संभव है कि पेपर की सील 2 घंटे पहले खोली जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये कहना कि पेपर लीक हो गया है या उसका पेपर लीक होकर पूरे देश को प्रभावित करेगा ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 1-1.5 घंटा पहले पेपर लीक होता है तो उस पेपर लीक का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। साथ में ये भी कहा गया कि अगर इस प्रकार से पेपर लीक हो भी गया है तो उसके बेनिफिशियरी कौन कौन है, किन लोगों को उसका लाभ दिया जा रहा है, कौन लोग उसके लाभार्थी हैं ये बात भी, और कितने एरिए में वो पेपर लीक हुआ है इस बात की भी हमको सूचना दीजिए। नेचर ऑफ पेपर लीक, टाइमिंग पेपर लीक की, प्रभाव उसका, सेपरेशन उसका कि वो सेपरेट हो सकता है नहीं हो सकता, क्या अगर सेपरेशन नहीं हो सकता तो क्या एग्जामिनेशन कैंसिल करना ही एक सलूशन है। मेरा मानना ये है, जो मेरा व्यक्तिगत है क्योंकि मैं इस कंपटीशन जो टीचिंग है उसको पिछले 15-17 साल से कर रहा हूँ, बल्कि 20 सालें हो रही हैं, लगभग 20 साल से मैं कॉम्पटिशन के विषय में पढ़ा रहा हूं। और मैं खुद तो और 4-5 साल जोड़ लीजिए तो 25 साल का मेरा अनुभव है कंपटीशन का, जुडिशरी के कंपटीशन का, हायर जुडिशियल सर्विसेज के कंपटीशन का, या फिर जजेस प्रमोशन का। जजेस प्रमोशन में मैं कहूँ कि लिमिटेड एग्ज़ाम, मैं कहूँ कि सूटेबिलिटी टेस्ट,
या इस प्रकार के प्रमोशनल एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी। इनका मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। इस अनुभव के अनुसार जब भी पेपर हुआ है, बच्चे लौट कर आते हैं दूसरे दिन तो वो यही कहते हैं, जब उनका परिणाम नहीं निकलता, एक नंबर से रह गया, दो नंबर से रह गया, तीन नंबर से, चार नंबर से, तो वो और उनके गार्जियन इस प्रकार की संभावनाएं जताते हैं और इस प्रकार के र्यूमर हमेशा उड़ते हैं। और इनमें हमेशा ये भी कहा जाता है कि भाई बच्चा तो बहुत पढ़ रहा था, बच्चे ने तो बहुत पढ़ाई की, लेकिन साहब ये 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 हो गया। मैं मानता हूँ ऐसा होता भी है। 2010-11 की बात है, मैंने एक पिटीशन भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली थी क्लैट के एग्ज़ाम के को लेकर, जिसमें ग्रेस मार्किंग का इसी प्रकार का मामला आया था। हालांकि कोर्ट, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, वो डिसमिस हो गई थी और डिसमिसल का कारण मैंने विड्रॉ किया था क्योंकि वो पेनल्टी लगाने को तैयार थे और ये कह रहे थे ये PIL मेंटेनेबल नहीं। खैर, अब चूंकि उस कॉम्पिटिशन में इतना बड़ा भाई बेला भी नहीं खड़ा हुआ था जैसा नीट में खड़ा हुआ है, इसलिए बहुत कुछ नहीं हो पाया और पिटीशन विड्रॉ करनी पड़ी थी। खैर, अब इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो क्लैट का कॉम्पिटिशन रहा हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, या जुडिशरी के, या मैं कहूँ कि और जो दूसरे एग्ज़ाम हैं उनके रहे हों, हमेशा से एक ही प्ली आती कि सर दोबारा एग्ज़ाम करवा दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या दोबारा एग्ज़ाम हो सकता है? ये जो पेपर की कटिंग छपी है, जहाँ पर ये कहा गया है, जहाँ पर ऐसा कहा, जहाँ पर वैसा कहा, ये क्या संभव है? ये हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, एक चांस मिल जाएगा, नहीं तो एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप समझिए कि अगर 24 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें से कुछ हज़ार वैकेंसी ही भरी जाएंगी, तो बाकी के 23.5 लाख या उससे अधिक लोग निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि पेपर अगर दोबारा देने का अवसर मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। दोबारा देने का अवसर का मतलब है एक साल बच जाएगा, और जब दोबारा देने का अवसर मिलेगा तो महीने 15 दिन की टाइम देंगे ही देंगे, तो महीना 15 दिन और थोड़ी मेहनत करके वो परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। ये एक आम जन भावना है। और अगर अपोजिशन इसमें लग जाए, मतलब ये इसको एग्ज़ाम ना समझ के अपोजिशन लग जाए, तो अपोजिशन सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की वीडियो, चूँकि उनके पास संसाधन होते हैं, उनके पास लोग होते हैं, उनके पास पहुँच होती है, इसलिए इस प्रकार के वीडियो बनवा कर वायरल भी करते हैं। इस प्रकार एग्ज़ाम कैंसिलेशन को लेकर, अब एग्ज़ाम कैंसिलेशन की बात ऐसे मैं कहूँ कि अगर UGC नेट ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया तो सवाल हुआ कि साहब क्यों कैंसिल कर दिया, अंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो लियो सरकार विफल हो गई, और सरकार अगर नीट का पेपर कैंसिल नहीं कर रही है तो कैंसिल ही नहीं कर रही साहब, पेपर लीक हो गया, कैंसिल कर दिया अगर उसको पता लग गया कि कहीं से कुछ गड़बड़ हो गई है तो साहब सरकार कैसे कर रही है कि ये हो गया। तो अपोजिशन ने तो पूरा प्रयास करना ही है सरकार को बदनाम करने का, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी भी लेवल की सरकार हो, उनका काम ही कुछ ऐसा है। इसलिए वो लगातार इस विषय को संसद से लेकर जमीन तक लेकर आएंगे। और ये भी बात है कि बेनिफिशियरी जिनके सिलेक्शन हुए होंगे वो कुछ हज़ार लोग हैं, वो माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी में कौन है? जो लोग सरकार के विरुद्ध या पेपर लीक से दुखी होंगे, या जो कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, जिनका मार्जिन से एक दो नंबर का रह गया होगा, वो सब यही कहेंगे कि पेपर लीक हो गया है, या पेपर में ग्रेस मार्क दे दिए गए हैं, या पेपर में बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए दोबारा पेपर करवाना चाहिए, क्योंकि उनको अवसर मिलेगा महीने दो महीने में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गई है वो एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पेपर नहीं करवाना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पेपर होना ही चाहिए, मैं सिर्फ संभावना की बात बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैंने हजारों बच्चे पढ़ाए हैं, अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं और BNS और BNSS और एविडेंस की नई रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, वो अभी हम आप लोगों के लिए YouTube पर भी एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए, जैसा भी टीम कहेगी कि साहब केवल लाइव में उसको चलाया जाए और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाए, फिर ऐप पर ही चलाया जाए, यहाँ पर YouTube पर ना चलाया जाए, ऐसा कुछ जो टीम अभी डिस्कशन कर रही है, हम उसकी रिकॉर्डिंग अभी इस समय कर रहे हैं। खैर, जिस प्रकार हम नए जजमेंटों को YouTube पर डालते हैं, फिर उसके बाद लेटेस्ट जजमेंट के पोर्शन में उसको ऐप पर लेकर जाते हैं, जो लोग सब्सक्राइब किए होते हैं उनको देखने को मिलता है, बाकी को देखने को नहीं मिलता। बाकी को यहाँ थोड़ा पोर्शन बड़ा प्रोस्पेक्टिव में हम बताते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट थोड़ा ज़्यादा गहराई से वो वहाँ पर डालते हैं। खैर, ये
जो पूरा मामला है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरे मामले में निश्चित रूप से जो जो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में पेपर कैंसिलेशन के पक्ष में होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 24 लाख लोगों ने पेपर दिया, 24 लाख 33,000 लोगों ने पेपर दिया और कुछ हज़ार वैकेंसियां थी, तो आप सोचिए कि उनकी मेजोरिटी उसका कितने गुना होगा, कितने गुना लोग चाहते होंगे पेपर कैंसिल हो जाए। 24 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चों के परिवार, अगर मैं चार पाँच लोग भी एक परिवार में मानकर चलूँ तो 1 करोड़ लोग चिल्लाना शुरू करेंगे पेपर दोबारा करवा दीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि पेपर दोबारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए। तो आज नीट के मामले में और अभी सुप्रीम कोर्ट में एनटी ने अपना जवाब लगाया, कल 11 तारीख को उसकी सुनवाई है, 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, बड़ा एफिडेविट मांगा था केंद्र से भी और एनटीए से भी, उसका जवाब आज सबमिट हो गया है, कल हियरिंग पर जाएगा। हियरिंग पर 11 तारीख को हियरिंग में कोर्ट आगे उस पर 2 कदम आगे बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा कि जितनी ये वीडियोस जारी हो रही हैं, जितनी सोशल मीडिया चैट चल रही हैं या जो इस प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, वो केवल हवा में हैं, उनके कोई तथ्यात्मक एविडेंस नहीं है और वो डॉक्टर्ड हैं। डॉक्टर्ड से मतलब डॉक्टर्ड हैं, उनको बनाया गया है, कोई कहीं से भी वीडियो उठाकर उसको ऐसे डॉक्टर किया गया। और ये तो भाई भारत की क्रिएटिविटी का तो कोई जवाब है नहीं। भारत की क्रिएटिविटी तो इस प्रकार की है कि अब जो हमने नई साक्ष्य विधि लागू की है, उसमें हालांकि हमने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को सीधा शामिल किया, पुरानी वाली में भी था लेकिन अभी हमने थोड़ा विस्तार से उसमें लिखा है, तो नया हमने शामिल किया है। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि अगर उस पर डिस्प्यूट खड़ा कर दिया जाए, पहले भी ऐसा ही था, श्रेया सिंगल का जजमेंट और अभी सुप्रीम कोर्ट का था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा करता है, अगर उस पर कोई प्रश्न खड़ा करता है तो फॉरेंसिक के बाद ही माना जाएगा, क्योंकि वीडियो बनाते समय या किसी भी उसमें उसको बदला जा सकता है या उसके कंटेंट में थोड़ा फेरबदल किया जा सकता है, उसको डॉक्टर्ड किया जा सकता है, हालांकि उसका लाभ भी बहुत सारे लोग उठाते ही हैं। लेकिन डॉक्टर्ड का मतलब ये है कि उनको बनाकर परसेप्शन खराब करने का प्रयास, परसेप्शन खराब करने का प्रयास से मतलब है कि परसेप्शन बिगाड़ देते हैं, परसेप्शन बिगाड़ देते हैं मतलब सरकार को बदनाम करना, एनटीए को बदनाम करना या जो एजेंसी है उसको बदनाम करना या जो एग्ज़ाम करवाने वाले लोग हैं उनको बदनाम करना। चूँकि देश बिगड़ चुका है, हालात बिगड़ चुके हैं, देश के लोग भी, देश में चूँकि अब वो रहा नहीं है मानस, हर व्यक्ति शरीफ, ऐसा कहते हैं कि शरीफ अब वो रह गया जिसको अवसर नहीं मिला, जिसको अवसर मिला वो शरीफ नहीं है, वो अवसर का लाभ उठाता ही है। कितना भी शरीफ लोग कहते हैं, कितने भी शरीफ आदमी हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस उसको हाथ दे देती है और वो हेलमेट लगाकर नहीं चलता तो 1100 के चालान को वो 200 रुपये में निपटाने के लिए खुद आगे आता है। अगर वो शरीफ होता तो कहता हमारा चालान करिए, मैं भरूंगा, मेरी गलती है, लेकिन वो फिर भी उससे रिक्वेस्ट करके 100-200 रुपए में सॉल्व करवाता है। ये सारी चीज़ें समाज को, समाज बिगड़ चुका है, समाज खुद भ्रष्टाचार में जा चुका है, समाज के पास भ्रष्टाचार हो चुका है ये बताता है। ऐसी परिस्थिति में किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है और जब विश्वास नहीं होगा तो इस प्रकार के प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे। आजकल तो समाज इस प्रकार का हो गया कि परिवार में माँ बाप बच्चे पत्नी पति रिश्तेदार नातेदार देवर जेठ या उसका साला साली, इन पर भी विश्वास खत्म हो गया, मतलब किसी प्रकार का विश्वास। अब चूंकि समाज बिगड़ चुका है, दिमाग में गंदगी आ चुकी है, इसलिए विश्वास बिगड़ चुका है। ऐसी परिस्थिति में जब भी बच्चा फंसेगा तो उसके पेरेंट्स 1 करोड़ लोग, जैसे मैंने कहा कि 24 लाख में चार, एक उसका भाई बहन कोई होगा, माँ पिता होंगे, इतनी बात कर रहा हूँ, तो 1 करोड़ लोग बनते हैं जो ऐसा कहना शुरू कर देंगे। और करोड़ों वो कार्यकर्ता जो अपोजिशन को वोट देकर आए हैं, उनको भी बड़ा इसमें मजा ही आएगा। तो आप सोचिए कि करोड़ों लोग डिफेम करना शुरू करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद ही समझ में आएगा। अगर कोई एविडेंसेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी शुरू से कह रही कि अगर कोई एविडेंसेस हैं तो हम इस पर कठोर एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक जो एविडेंसेस प्रस्तुत किए गए हैं वो एविडेंसेस इतने सफिशिएंट नहीं हैं कि पूरे देश की परीक्षा कैंसिल कर दी जाए और जो कुछ हज़ार बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनको दोबारा, मतलब एक बार वो सेलेक्ट हो गए हैं उनको दोबारा एग्जामिनेशन प्रोसेस में लाया जाए, ये कठिन काम है। हाँ, जितना ग्रेस मार्क वाला चक्कर था उस पर तो दोबारा एग्ज़ाम
करवा ही दिया गया है। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या सोचेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी उनके प्रश्नों के जवाब एफिडेविट के रूप में एनटीए और एचआरडी ने शायद लगा दी है, एनटीए ने तो लगा दी है, इस बात की सूचना आई है। अब कल उसकी हियरिंग के दौरान अगर कोई पिटिशनर्स के पास एविडेंसेस होंगे तो वो एविडेंसेस उनको प्रस्तुत करेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि वाकई में पेपर लीक हुआ है, नहीं तो वो जो वीडियोस के आधार पर परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश की गई है, डिस्कोर्स बदलने की कोशिश की गई है, देश में दिमाग बदलने की कोशिश की गई है, सरकार को गड़बड़ सरकार की तरफ से ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की गई, वो निरर्थक होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंडनबर्ग का मामला हम सब ने देखा था, अडानी के शेयर इतने गिर गए और लाभ किसको हो गया, किंगस्टन कंपनी को हो गया। इसी प्रकार राफेल का मामला आया था, बड़ा देश में हंगामा हुआ, बाद में उसमें कुछ निकला नहीं। ऐसे बहुत सारे देश में चीज़ें आती रहती हैं जिनके आधार पर अपोजिशन सरकार को बदनाम करने का काम करता रहता है। हालांकि हमारे देश में ऐसा कोई विधि नहीं है कि इस प्रकार से मैलिशियसली डिफेम करने का कोई दंड लगता हो या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हों उनको दोषी सिद्ध किया जाता हो तो इसको रोका जा सकता है। अपोजिशन इस समय खुले रूप में ऐसा करता है और बहुत सारे वो लोग जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए वो भी ऐसा ही करते हैं, वो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे हों। बात यह है एनटीए ने साफ मना कर दिया है कि ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है जिससे ये कहा जाए कि बहुत बड़े स्तर पर पेपर लीक हो गया है और परीक्षा कैंसिल की जा सकती है। उन्होंने कहा आपके 8 तारीख के ऑर्डर के अनुसार ही हम ये एफिडेविट लगा रहे हैं, सुनवाई आपके हाथ में है। 11 तारीख को सुनवाई होने की बात कही गई थी, 11 तारीख की सुनवाई आज है, लेकिन अभी एनटीए अपनी बात पर अड़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।